हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल। चलो बेटा, आज की वर्कशीट देखते हैं। क्लास थ्री के लिए है, साथ में सेक्शन लिखो। ये ईवीएस की वर्कशीट है और यहाँ है वर्कशीट नंबर 36B। डेट है हमारी 2/8/2021। स्टूडेंट अपने नाम हमने टीचर्स का। चलो बेटा, आज की वर्कशीट देखते हैं। बच्चों, हम सबसे ज़्यादा अपने आप को अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं। जिस प्रकार हम घर से बाहर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर में भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी घर में छोटी सी लापरवाही से भी हम चोट लग सकते हैं, जैसे नुकीली वस्तु का उपयोग करना, गर्म चीज़ों को छूना, रसोई घर गैस के साथ खेलना, बिजली के बोर्ड को छूना इत्यादि। तो देखो बेटा, ये बात सही है कि हमें घर पे अपने सेफ सोचते हैं, लेकिन हम कभी भी क्या कर देते हैं, जो नहीं छूने वाली चीज़ें होती हैं उनको छूने लग जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। आ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। प्यारो बच्चों, घर में होने वाले कुछ असुरक्षित गतिविधियों और उनके परिणामों से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। अब आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देख कर रिक्त स्थानों को पूरा करके अपनी कॉपियों में लिखोगे। जैसे सबसे पहले में क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, सॉकेट पे हाथ लगा रहा है ना, तो बिजली के सॉकेट में डैश ना डाले। क्या ना डाले? हाथ हाथ ना डाले, इससे डैश करंट लग सकता है। करंट लग सकता है, ठीक है। उसके बाद है, खेलते समय खिलौनों को डैश में ना डाले। किस में ना डाले? मुंह में नहीं डाले, यह गले में अटक जाता ना बेटा, अटक सकता है। ऊंचे तल पर खिड़की से ना झांके, झांके ये इमली है बेटा, ये झांके झंडा। उसके बाद है, खिड़की से नीचे गिर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम गिर सकते हैं। अब आगे हैं, गर्म चीज़ों को नंगे हाथों से ना छुए। क्या है? हाथों से ना छुए, इससे हाथ जल सकता है, इससे हाथ जल सकता है। रुको बेटा, आप उसके बाद है, पॉलीथीन बैग में मुंह डालकर ना खेले। ये अपने पूरा नेक, गर्दन होते हैं ना, ये पूरा फेस अपना, यानी आप उसको रोते हैं बैग में मुंह डालकर ना खेले, इससे दम घुट सकता है। सीढ़ियों पर ना चढ़े, गिर कर चोट लग सकती है। क्या लग सकती है बेटा? चोट। आप देखते हैं क्वेश्चन टू। बच्चों, प्रतिगत गतिविधियों से आप अपने घर में बरती जाने वाले कुछ सावधानी के बारे में जान चुके हैं। आइए आप देखते हैं, घर में कुछ केशव और उसका कुत्ता टॉमी क्या कर रहे हैं। साथ में दिए गए चित्रों की सहायता से प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे फर्स्ट है, केशव अपने घर की गति घर में क्या गतिविधि कर रहा है, क्या कर रहा है घर में, वो घर में क्या कर रहा है? आग में हाथ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? हाथ देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद केशव को जो गतिविधि अपने घर में कर रहा है, क्या वह उसके या टोमी के लिए उचित है? नहीं। इसमें क्या है? नहीं। इस गतिविधि के क्या परिणाम हो सकते हैं? उसका हाथ जल सकता है और शायद वो बिजली के बोर्ड किसी हाथ पे लगाया हुआ है तो उसको करंट भी लग सकता है। तो क्या होता है? उसको चोट लग सकती है, हाथ जल सकता है, आग में हाथ देर के तो हाथ जल सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है वो, यदि सॉकेट में वो प्लग डाल रहा है तो उसको करंट भी लग सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है, भाव के लिए सुझाव। घर में बरते जाने वाली और भी अन्य गतिविधियों के बच्चों को अवगत कराइए। COVID-19 से रिलेटेड मैसेज की, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 यार्ड। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती है, मिलती है नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय बाय।